मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। बशीर बद्र साहब। नमस्ते, मैं हूं आपका किताब वाला दोस्त लखन और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी किताब वाला। मैं आपको यहाँ शायर बनाने के लिए नहीं आया हूँ और ना ही ये समझाने वाला हूँ कि शायरी कैसे करी जाती है। इतना मैं बड़ा नहीं हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि शायरी कैसे जाती है। शायरी तो अपनी भावनाओं को जब कागज़ पर उतारा जाता है किसी के लिए, तो शायद वो शायरी का अंदाज ले लेती होगी, या फिर देश में चल रही उन घटनाओं को अपने शब्दों में, अपनी सोच के तरीके से जब उसको पन्ने पर उतारा जाता है, उसको शब्दों में पिरोया जाता है, तो वो शायद कविता का रंग लेती होगी। और एक किताब लेकर आया हूँ मैं आपके लिए जिसका नाम है कल्चर यक्सा। बशीर बद्र का ये समग्र है। समग्र यानी बशीर बद्र ने जितनी भी अभी तक की किताबें लिखी, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट इसमें लिखी हुई है। इसमें गजलों का संग्रह है और इसमें 370, सही सुन रहे हैं आप, 370 गजलों का इसमें संग्रह है। ये काफ़ी मोटी किताब है और शायरी, गजलों और शेरों से लेकर मेरे साथ में सबसे मोटी किताब यही है। अब ये एक ऐसी किताब है, इसके नाम से पता चलता है, इसका कल्चर यक्सा है। कल्चर यानी संस्कृति, तहजीब, यक्सा यानी एक जैसा, मतलब कि एक जैसी संस्कृति, एक जैसी तहजीब, एक जैसे कहने का अंदाज, एक जैसी रिवायत, कुछ भी कह लीजिए। मतलब इसमें आप पन्ना उठा, मतलब इसमें इस किताब को खोल कर आप कहीं से भी जो भी पढ़ेंगे वो आपको बहुत उम्दा लगेगा, एक जैसा लगेगा। ना तो ऐसा लगेगा कि ये हिंदी में ज़्यादा हो गया है, या ना लगेगा ज़्यादा उर्दू में हो गया है। आप चाहे हिंदी वाले हो, चाहे उर्दू वाले हो, या फिर किसी भी भाषा में बोलने वाले हो, अगर आपको हिंदी समझ में आती है पढ़ने में, तो आपको कहीं से कहीं तक तकलीफ या प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने के लिए। तो इसका मैं छोटा सा रिव्यू देता हूँ आपको, उसके बाद में इसके बारे में बात करते हैं। बशीर बद्र का समग्र, जैसा कि मैंने कहा है, बशीर बद्र ने 5 से 6 किताबें पहले लिखी थी, उसका ये जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट इसमें समाहित किया गया है। 395 रुपये की कीमत है। पेपरबैक्स वाणी प्रकाशन ने इसे छापा है और ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, लेकिन इसमें जो है वो है इनकी गज़लें। इनकी गज़लें इतनी उम्दा है, इतनी अच्छी है कि मैं तो फैन हो गया हूँ। लेकिन मुझे एक गज़लों का संग्रह चाहिए था। अब मुझे गज़लों का संग्रह मिला, लेकिन फिर मुझे हाथ लगी है ये किताब। उसके बाद में मेरी सारी जो चाहते थी कि अब मुझे गज़लों की कौन सी किताब लेनी है, क्या लेनी है, वो सारी ख़त्म हो गई, क्योंकि ये ही मैं पूरी ढंग से नहीं पढ़ पाया हूँ। मतलब कि 370 गज़लें हैं इसके अंदर, तो एक एक करके मैं आपको सुना नहीं सकता हूँ, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और मैं सुनाना भी नहीं चाहता हूँ। इसमें से कुछ कुछ मैं आपको रेंडमली शेर सुनाऊँगा जिससे आप इस किताब का अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि गज़लों की सबसे बेस्ट किताब ये होनी चाहिए। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि किताब पढ़नी किसको चाहिए। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि शायर बनना हो, तो मैंने इसलिए लिखा था थंबनेल में कि आप एक अगर लिखना चाहते हैं, शायरी लिखना चाहते हैं, कविता लिखना, जो भी लिखना चाहते हैं, तो किसी ने कहा है कि जब तक आप अपने आप को पढ़ पढ़ कर लबरेज नहीं कर लेते, मतलब पढ़ नहीं लेते, तब तक आप छलक नहीं पाएंगे। और मैं पहले भी एक वीडियो में कह चुका हूँ कि जब तक आप अच्छे से पढ़ नहीं लेते, अच्छे से पढ़ नहीं लेते, अपने आप को छलका नहीं पाएंगे, आप वैसा लिख नहीं पाएंगे। फिर कोशिश करेंगे तो वैसा लिख भी नहीं पाएंगे, और वो शायद कोशिश दरी की दरी रह जाएगी आपकी, क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो शब्दों के बारे में पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से कहा जाता है चीज़ों को, उसके बारे में पता नहीं चलेगा, और आप फिर लिख नहीं पाएंगे ढंग से। जब आप किसी को सुनाएंगे तो वो उसको भी मज़ा नहीं आएगा। तो सब सीधी सी बात है कि अच्छे से पढ़िए, उसके बाद लिखने की कोशिश करिए धीरे धीरे। तो पढ़ने के हिसाब से अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको एक लिखने का तरीका समझ में आएगा कि किस तरह से लिखना चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा हो कि मैं भी लिखता हूँ, तो नहीं महाराज, मैं नहीं लिखता हूँ, मैं तो सिर्फ आपको सजेशन कर रहा हूँ इस किताब के बारे में, मैं पढ़कर ही खुश हूँ, मुझे लिखना इतना नहीं आता और मैं लिखना मेरा शौक भी नहीं है, मेरा शौक पढ़ने का है, जितना ज़्यादा मैं पढ़ सकूँ। सो लिखेंगे, शांति रखिए आप, हम भी लिखेंगे, वो जो भी लिखेंगे आपके सामने ज़रूर लेकर आएंगे। तो मैं इनको इसमें से आपको कुछ बताता हूँ कि किस तरह से आप पढ़ते हैं। तो पढ़कर आपको एक थॉट, मतलब आपकी थॉट प्रोसेस जो होती है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है, समझने का तरीका आपको समझ में आ जाता है, किस तरह से चीज़ों को समझना है, लिखना है, और अलग अलग तरह की बातें जब आप इसे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जब आप अगर आप लिखना चाहते हैं तो इससे ही पढ़ना पड़ेगा,
मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसे पढ़िए। बशीर बद्र की मेरे पास में एक और भी किताब है जिसका नाम है आज के प्रसिद्ध शायर बशीर बद्र। इसका संपादन किया है कन्हैयालाल नंदन ने और इसमें भी शेर व शायरी ही है, लेकिन ये तो ट्रेलर है, ये पूरी पिक्चर है, पूरी मूवी है, पूरी फिल्म है। तो इसके बारे में बात करते हैं। मैं एक दो शेर या कुछ इंदर सुनाता हूँ आपको, फिर देखते हैं कि आपका क्या है। खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। मुझे ऐसी जन्नत नहीं चाहिए, मुझे ऐसी जन्नत नहीं चाहिए जहाँ से मदीना दिखाई ना दे। कि किसी की राह में दहलीज पर दिए ना रखो, किसी की राह में दहलीज पर दिए ना रखो, किवाड़ सूखी लकड़ी के बने होते जल जाएंगे। उसके बाद में कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे टपाक से। ये शायद अभी कोरोना में ज्यादा चला था कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे टपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। उसके बाद में है कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। अब इसके कहने का तरीका आप समझ सकते हैं। उसके बाद में उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली जिंदगी की शाम हो जाए। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, सुनिएगा कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा ना हो। कि जब भी आप किससे दुश्मनी करो तो थोड़ी सी इतनी गुंजाइश रख देना कि फिर अगर उससे दोस्ती हो जाए तो दोनों शर्मिंदा ना हो। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, ये सुना ही होगा आपने। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। और जी बहुत चाहता है सच बोले, जी बहुत चाहता है सच बोले, क्या करे हौसला ही नहीं है। अब इसी बात को यहीं पे खत्म कर दे कि जी बहुत चाहता है कि सच बोले लेकिन हौसला ही नहीं है। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समंदर में मिलता है दरिया नहीं रहता। जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। किसे खबर थी तुझे इस तरह सजाऊंगा, जमाना देखेगा और मैं ना देख पाऊंगा। ये शायरियों की बात हो रही कि किसे खबर थी कि तुझे इस तरह सजाऊंगा, जमाना देखेगा और मैं देख ना पाऊंगा। मैं चुप रहा तो और गलत फहमियां बढ़ी, मैं चुप रहा तो और गलत फहमियां बढ़ी, वह भी सुना है जो उसने मैंने कहा नहीं। और इसमें बहुत सारे हैं, बहुत सारी ऐसे ऐसे शेर हैं, ऐसी ऐसी गजलें हैं जो कि आपको काफ़ी पसंद आएगी, मुझे भी काफ़ी पसंद आई है और बहुत परफेक्ट लगी है मुझे। ज़्यादा मुझे कहने के लिए कोई शब्द मिल नहीं रहे हैं। और कुछ इसमें और यूँ हैं, वह ज़ाफ़रानी पुलोवर का हिस्सा है, कोई जो दूसरा पहने तो दूसरा ही लगे। थके थके पैडल के बीच चले सूरज, घर की दफ्तर लौटी घर की शाम। और हाँ, एक और इसमें बता दूँ आपको कि इसके अंदर सिर्फ प्यार मोहब्बत ही नहीं, दुनियादारी, अपने आप का खालीपन और लोगों की बातें, सभी तरह के आपको कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे इसमें। हर तरह की चीज़ें, हर तरह की कहन है जो कि आप अपने जीवन में चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप इसे पढ़ने लगेंगे तो आपके सोचने के तरीकों को, मतलब सोचने की जो किस तरीके से आप सोच सकते हैं और किस तरीके से सोचा जा सकता है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। कल्चर यक्सा बशीर बद्र का समग्र है, कुछ मैंने आपको सुना दिया है। अब आप पढ़कर या देखकर बताइएगा, आप डिसीजन लीजिए, आपको खरीदना है नहीं खरीदना है, जो भी हो पढ़िएगा ज़रूर एक बार। ये मेरी रिकमेंडेशन है, मैं कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप इसे पढ़िएगा ही ज़रूर। और बाकी और मेरे पास में एक छोटा बशीर बद्र का भी समग्र पड़ा हुआ है, कन्हैयालाल नंदन मैंने बताया ऐसे ही आपको, ये भी इसमें भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन
मैंने जैसे बताया सही कि कोई एक ट्रेलर है, कोई एक पूरी फिल्म है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ में जो शेर व शायरी लिखते हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं फिर, जय हिंद, वंदे मातरम।